Hello everyone, this is your master teacher Surabhi from Vidantu and welcome to the sprint series. The sprint series में हम करते हैं revision for your board exams. अब board exams आने वाले हैं, सब आपको पता है. अगर आपको नहीं भी पता तो भी अपने आप को बोलो कि आपको सब पता है. And आज हम करने वाले हैं revision of the chapter Print Culture and Modern World. हम करेंगे chapter के important events, important points, flowcharts के through revision करेंगे. अगर आपने ये कर लिया और आपने अभी तक इस चैप्टर को छुआ भी नहीं है तो भी आपका अच्छी तरह हो जाएगा. और अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह आता है तो रिविजन बहुत पक्का हो जाएगा इस सेशन के एंड तक. राइट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन, इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द चैप्टर, है ना. तो ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही जरूरी है 10th स्टैंडर्ड बच्चों आपके लिए. और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मैंने ट्राई किया है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक ये जो सेशन है उसमें मैं ले आऊं. और एज आई सेड, ये कर लिए, इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ आपने वो कर लिए, यू आर रेडी विद दिस चैप्टर. देर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू, नो अदर रेफरेंस बुक, नो अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इतना करना काफी है. काफी है. एनीवे, सो वेलकम वेलकम, चल जा भाई. हाँ, तो गाइस शुरू करने से पहले आई एम श्योर मैं बता भी चुकी हूँ पहले से ही द्रोणा बैच के बारे में. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फीस उसकी 5000 रुपीज है, बट अगर आपने कूपन कोड यूज किया, ओह नो, बार बार आई डू दिस, राइट. अगर आपने एक सेकेंड, अगर आपने, क्या भाई क्या हो रहा है, पेन, अगर आपने कूपन कोड यूज किया SUGPRO तो आपको फीस हो जाएगी 4000 रुपीज, पूरे बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी. तो मेक श्योर कि अगर आप, यू आर समवन हु वांट्स टू डू इट, दैट यू ज्वाइन वेरी सून. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू बी रिवाइजिंग द चैप्टर टुडे. हम पहले माइंड मैप करेंगे पूरा चैप्टर का अच्छी तरह. मैंने कहा ना, ये कर लिया तो एनसीईआरटी छूने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद हो गया आपका रिविजन. दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन कौन है, बुक्स कौन कौन सी है, ये सब करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद. एंड फाइनली आई गिव योर होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. एंड ऑफ कोर्स आपका फेवरेट वी क्विज भी होगा. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस. ओह, बिफोर दैट गाइस, आई एक्चुअली हैव अ, अब यू नो हम एक ऐसे टाइम पे आ गए कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा जो है ना एम है 95, 85, 75, जो भी है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपका एम क्या है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, मुझको ये ना ये जानने का बड़ा मन करता है. ठीक है, चलो लेट अस बिगिन. तो स्टोरी, कहानी शुरू होती है चैप्टर की कि प्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कहाँ हुआ था. तो सबसे पहले कि चाइना, जापान, कोरिया में ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हुई थी, है ना, रबिंग पेपर से, जो प्रॉपर स्टैम्पिंग पेपर, रबिंग पेपर है, वहां से शुरू हुआ था बुक्स इन चाइना. चाइना जो है, इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल. और कौन करता था प्रिंटेड मटीरियल वहाँ? ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, इंपीरियल गवर्नमेंट थी, वही सबसे ज्यादा बुक्स प्रिंट करती थी. क्यों? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए. जो गवर्नमेंट का, अगर आप ब्यूरोक्रैट, नौकरशाही में आना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. एग्जाम देने के लिए आप तैयारी करते थे और जो बुक्स पढ़ते थे वो बुक्स पब्लिश करती थी आपका इंपीरियल गवर्नमेंट ऑफ चाइना, है ना. तो ये रिक्रूट करने के लिए काफी सारी टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करती थी इंपीरियल गवर्नमेंट. फिर धीरे धीरे प्रिंट जो है सिर्फ राजा, महारानी और एग्जामिनेशन ही नहीं, बल्कि मर्चेंट्स और अकेडमिशियंस भी यूज करने लग गए, है ना. विद टाइम जब प्रिंट जो है यूरोप से, मतलब हैंड नहीं बट प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन यूरोप से चाइना आया, तो शांघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंटिंग कल्चर, है ना. एक नया प्रिंटिंग कल्चर, जो मशीन प्रिंटिंग कल्चर था, उसका हब शांघाई बना. और स्क्राइब्स को तब भी एम्प्लॉय किया जाता था टू मेक कॉपीज ऑफ द बुक्स. ठीक है, अब हम करते हैं, तो लेट्स गो टू यूरोप एंड लेट्स टॉक अबाउट कैसे यूरोप में प्रिंट स्प्रेड हुआ. तो चाइना से, जहाँ पर इनिशियली चाइना, कोरिया, यहाँ पर पेपर था, प्रिंट था, यहाँ से गया यूरोप थ्रू द सिल्क रूट.
है ना, ऐसे नहीं कि बस पैर निकल गया बस चल दिया पेपर, नहीं, कैसे गया, लोग गए ट्रैवल किए, तब उनके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी ये नॉलेज भी यूरोप तक पहुंच गई। तो यूरोप में एक्चुअली मार्को पोलो ये टेक्नोलॉजी ये नॉलेज लाए थे। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यहाँ पर भी स्किल्ड जो स्क्राइब से उनको एम्प्लॉय किया जाता था, जो अमीर लोग थे उनको एम्प्लॉय करते थे कॉपीज बनाने का, और जो बुक सेलर्स है वो भी एम्प्लॉय करते थे स्क्राइब्स को इनिशियली, जब प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी, कॉपी करने के लिए, जिससे वो मार्केट में बेचे, है ना। पर प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों का इस पॉइंट तक काफ़ी डिमांड हो गया था टू रीड मोर, है ना, एंड ये जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है दीज कुड नॉट सेटिस्फाई द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स की दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो काफ़ी फ्रेजाइल थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत मोटे और बड़े थे, क्योंकि अगर आपको याद है वो एकॉर्डियन बुक है ना, जिसमें जिस तरीके से प्रिंट और लिखा जाता था पीछे इंक आ जाती थी, तो एक ही साइड ऑफ द पेपर पे लिख सकते थे आप, तो बुक्स काफ़ी बल्की और बड़ी हो जाती थी, एंड इट कुड नॉट बी कैरीड एवरीवेयर, हर जगह उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो बाई द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग यूज्ड इन यूरोप, यूरोप में वुड ब्लॉक जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी यूज हो रही थी फॉर प्लेइंग कार्ड्स, फॉर रिलीजियस बुक्स, फॉर नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह। फिर आया प्रिंट भयंकर रेवोल्यूशन, व्हाट वाज दैट, 1430s में हमारे भाई साहब आए ग्यूटेनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, एंड सबसे पहली बुक जो उन्होंने इन्वेंट की, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, बड़ा ही आसान है, ठीक है, बता दो लिखा है क्या इसमें, द फर्स्ट, अच्छा लिखा कोई बात नहीं, अगर आपको पता था तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि हमें पता था मैम कि फर्स्ट प्रिंटिंग बुक जो पब्लिश की गई वो थी बाइबल, बट 3 साल लगे टू मेक 180 कॉपीज ऑफ द बाइबल। आजकल हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना इस बात को, कि मतलब बुक्स है हमारे सामने, बट इट टुक 3 ईयर्स टू मेक 180 कॉपीज ऑफ द बाइबल। अब जो प्रिंटेड बुक्स थी वो काफ़ी हैंडमेड बुक्स के जैसे दिखने में थी, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो हैंडमेड बुक्स थी उसमें लाइक क्यों ये था, जैसे प्रिंट किया तो प्रिंट में वैसे ही कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे हैंडमेड में होते हैं, सुंदर सुंदर बॉर्डर्स जो है खाली छोड़ दिए गए थे, सो दैट बॉर्डर्स में अगर आपको मैं बेच रही हूँ बुक एलिस इन वंडरलैंड, आपके फ्रेंड के पास भी एलिस इन वंडरलैंड है, तो आपके बुक में अलग इलस्ट्रेशन आप करा सकते हो, आपकी फ्रेंड अलग ड्रॉइंग करा सकती है, इससे एक यूनिकनेस आती है बुक में, है ना। मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स, जो मेटल लेटर्स प्रिंटिंग प्रेस में थी वो हैंड रिटन ए बी सी डी इसी टाइप का थी। सेकेंड, बॉर्डर को इल्यूमिनेट कर दिया गया था कि आप अपना खुद का इलस्ट्रेशन करा लो, एंड उसको हैंड पेंट किया जाता था जिससे हर बुक जो है यूनिक बने, है ना। तो हम देखते हैं विद टाइम 1450 to 1550 में मोस्ट कंट्रीज प्रिंटिंग प्रेस जो है को सेटअप कर दिया गया था, एंड यूरोपियन मार्केट में कहाँ ग्यूटेनबर्ग ने जब शुरू किया था 3 साल लग गए थे 180 कॉपीज बनाने के लिए, और कहाँ अब मार्केट में 20 मिलियन किताबें आ गई थी, है ना। तो इट इज इन दिस सिनेरियो दैट वी सी द राइज ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक। क्योंकि टाइम और लेबर काफी कम लगने लगा बुक्स को प्रिंट करने का, जो वक्त था, जो लोग थे, जो मेहनत थी वो कम हो गई थी, काफी ज्यादा मशीनरी यूज होने लग गई थी, तो बुक्स भी ज्यादा पब्लिश होने लग गए थे और लोग भी ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अब लोग आराम से खरीद सकते हैं ना, चीपर हो गए बुक्स, सस्ते हो गए, तो लोग खरीदने लग गए, राइट। टू एक्सेस, अच्छा, इलिटरेट लोगों के लिए जो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके लिए बुक्स के थ्रू बैले ओपन बुक रीडिंग होती थी, जिसमें लोग आते थे और बुक पढ़ते थे, उन लोगों के लिए जिनको बुक पढ़ना नहीं आता था, राइट। फोक टेल संग की जाती थी, टावर्न्स में लोग जो है पिक्चर वाली बुक्स बहुत पढ़ते थे, जिसको हम आजकल कॉमिक्स बोलते हैं, है ना, पिक्चर वाली बुक्स बहुत पढ़ते थे। नाउ देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लगा, एक ओरल कल्चर ऑफ स्पीकिंग ऑफ टॉकिंग अबाउट बुक्स ज्यादा होने लगा, प्रिंटेड मटेरियल बहुत ज्यादा फैलने लगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंट रेवोल्यूशन। हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक हियरिंग पब्लिक, जो पहले ओरल एजुकेशन होता था ना, मुंह के थ्रू आप पढ़ाते थे, बुक्स बहुत ज्यादा रेयर होती थी, अब एक रीडिंग पब्लिक होने लगी। पहले जो लोग ग्रुप में आके पढ़ सुनते थे, कहानियां सुनते थे, कुछ देखते थे, प्ले देखते थे, अब लोग अकेले बैठ के बुक पढ़ते थे, पढ़ने लगे, मतलब वो कल्चर इमर्ज होने लगा। आई लाइक सिटिंग अलोन एंड रीडिंग अ बुक,
ये वाला जो कल्चर है ना, यहीं से इमर्ज हुआ, राइट? नाउ जब ये प्रिंट रेवोल्यूशन आया, इट ऑल्सो ब्रॉट विद इट द फियर ऑफ प्रिंट एंड रिलीजियस डिबेट्स. साथ ही साथ लोगों को प्रिंट से डर लगने लगा और बहुत ज्यादा रिलीजियस डिबेट्स भी उठने लगी. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, द पीपल फियर्ड कि यार जो चाहे तुम प्रिंट कर सकते हो. जैसे आजकल क्या होता है ना कि सोशल मीडिया की वजह से आप कभी कभी कहते हैं कि लोग बिना सोचे समझे कि किसको कितना दुख हो रहा है, आप क्या लिख रहे हो, कुछ भी टाइप करने लगते हो कमेंट सेक्शन में, है ना? और हमें उस जो हम लिख रहे हैं उसका कोई इफेक्ट हमें नहीं होता, बस लिख रहे हैं और जा रहे हैं और सो रहे हैं, राइट? पर जो देख रहा है, जिसको इम्पैक्ट कर रहा है, मे बी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया. वैसे ही जब ये प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो कुछ लोगों को लगा कि यार जो लोगों के मन में आ रहा है लोग लिख रहे हैं, और लिख ही नहीं रहे, लोग पढ़ भी रहे, है ना? तो लोगों को लगने लगा जैसे रोमन चर्च, इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके रोमन चर्च हो गए, मोनार्की हो गई, है ना, ये लोग डर गए कि यार ये क्या हुआ, ये जो है ये लोग तो हमारे अगेंस्ट ही लिखने लग गए प्रिंट को यूज़ करते हुए. तो उन्होंने बनाई एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, जहाँ पर उन्होंने लिस्ट ऑफ बुक्स बनाया कि ये जो बुक्स हैं ये बुक सेलर्स को अलाउड नहीं है बेचना और बायर्स को अलाउड नहीं है खरीदना, है ना? फिर उस टाइम हम देखते हैं कि मार्टिन ल्यूथर की 96 थीसिस जो है वो पब्लिश होती है एंड वो एक हल्ला ले आती है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा लोग उसको पढ़ते हैं. तो हिज राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड एंड रेड वाइडली, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा डिवाइड हो जाता है चर्च में बिटवीन द ओल्ड क्रिश्चियंस कैथोलिक्स एंड द न्यू क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट. सो जो प्रिंट का इतना इम्पैक्ट कि रिलीजन में उसने एक बड़ी दरार कर दी, है ना, इतना था, राइट? हम इन 1517 हम देखते हैं कि काफ़ी सारे, जैसे मैंने बोला, काफ़ी अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, जैसे मार्टिन ल्यूथर की 95 थीसिस पब्लिश हुई थी एंड बाय 1558 ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ इररिलीजियस आइडियाज, राइट, रोमन कैथोलिक चर्च ने काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी ऑन पब्लिकेशन ऑफ सच प्रिंट जिसे रिबेलियस बोला गया, जिसको बोला गया एंटी रिलीजियस, है ना? So that was stopped, right? Now let's talk about who were the important authors that are mentioned in your book, जो exam में one marker की तरह आ सकते हैं. ये Martin Luther King ने लिखी आपकी 95 thesis, James Augustus Hickey, अगर आपको याद है उन्होंने खोला Bengal Gazette, which was a newspaper, जिसमें वो थोड़ी salacious gossip लिखते थे, मज़ेदार चटपटा gossip लिखते थे East India Company officials के बारे में, जिसकी वजह से बाद में उनको भुगतना भी पड़ा और हटा भी दिया गया. फिर आपका राम मोहन रॉय, जिन्होंने लिखा संपत कौमुदी, ठीक है, इन विच ही क्रिटिसाइजेस हिंदू रिलीजन, एक तरीके से वो अपने थॉट्स रखते हैं सामने. तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, है ना, वही रामायण अवधि में लिखा उन्होंने. राजसुंदरी देवी ने लिखा अमर जीवन, अपनी ऑटोबायोग्राफी, माय लाइफ, राइट? फिर यू हैव राम चड्डा, जिसने लिखा स्त्री धरुण विचार, बहुत ही अच्छी किताब. ज्योतिबाई फूले ने लिखा गुलामगिरी या स्लेवरी. काशी बाबा ने लिखा छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें हीरो ही टॉक्स अबाउट क्लास डिफरेंसेस, क्लास मतलब पैसों का इनकम इनइक्वालिटी के बारे में अपने शब्दों में लिखा, जो अगेन बहुत लोगों ने पढ़ा, स्पेशली जो फैक्ट्री वर्कर्स है जो उस टाइम पे थोड़े गरीब थे और उनको काफ़ी इंस्पायर किया. फिर है आपका सुदर्शन चक्र, सच्ची कविताएँ, है ना. फिर लक्ष्मीनाथ बेस बारुआ, जिन्होंने लिखा बुरली आयर साधु, एंड बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने न्यूज़पेपर निकाला केसरी. आई एम गोना गेट आउट फ्रॉम द स्क्रीन. तो ये है आपके ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स दैट वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. अब हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे एक रीडिंग मेनिया होने लगा. मेनिया मतलब पागलपन बोलते हैं हम, मेनिया, राइट, एक रीडिंग मेनिया, जिसमें हम देखते हैं कि क्योंकि इतनी बुक्स अवेलेबल होने लगी तो चर्च ने भी, मतलब बुक्स एक वेपन है सबके लिए, है ना, तो चर्च भी छोटे छोटे ट्राइबल जगह पे, फॉरेस्टेड विलेजेस वगैरह में स्कूल खोलने लगे और अपनी बाइबल, अपनी बुक्स पढ़ाने लगे टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. उससे क्या हुआ, क्योंकि ये स्कूल्स खुलने लग गए तो लिटरेसी रेट बढ़ने लग गई, है ना. देयर वाज नाउ अ फोकस ऑन लिटरेचर. ज़्यादातर लोग जो रिलीजियस कैलेंडर्स है, जिसको एल्मनैक भी बोलते हैं, बुक्स जिसमें स्टोरीज होती है, ये सब पब्लिश होने लग गए.
राइट, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स क्योंकि एक एक पेनी की मिलती थी, एक एक पैसा की मिलती थी, पेनी चैप बुक्स जो है काफी पॉपुलर हो गई एंड देवर सोल्ड बाय पेनी पेडलर. पेनी पेडलर मतलब जो साइकिल पे आते हैं पेडल करके, है ना, पेनी पेडलर्स जिनको चैपमैन बोला जाता था. राइट, अब हम आते हैं प्रिंट कम्स टू इंडिया पे. तो गाइज, इंडिया में द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज मिशनरीज जो है इंडिया में आए थे. तो 16th सेंचुरी में दे गॉट द प्रिंटिंग प्रेस. अब प्रिंटिंग प्रेस से पहले इंडिया में ओरल ट्रेडिशन होता था जिसमें स्कूल्स पाठशाला सिस्टम होता था जिसमें टीचर जो है बच्चों को पढ़ाती थी विथाउट एनी बुक. ओरली आप सुनते रहो तो आपके दिमाग में घुस जाएगा. जैसे हम गाने सुनते हैं ना, कोई हमें बताता थोड़ी ना ये लिरिक्स है, हम सुनते रहते हैं, हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होता रहता है ना. तो ओरली होता था, ओरल ट्रेडिशन, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी महंगे होते थे, बल्कि होते थे, है ना. फिर द फर्स्ट देयर वर 50 बुक्स प्रिंटेड इन कोंकणी एंड द कनाडा लैंग्वेज, क्योंकि पोर्चुगीज साउथ से ही आए थे. और फर्स्ट तमिल बुक जो है वो प्रिंट की गई थी बाय द कैथोलिक प्रीस्ट इन कोची इन 1579. ठीक है, फिर मैंने आपको बता ही दिया बंगाल गजेट जेम्स ऑगस्ट हिकेटी ने किया था, पर उनको फिर परसिक्यूट कर दिया गया. ज्यादा ही मजेदार न्यूज लिखने लग गए वो अपने न्यूज़पेपर में. फिर बाद में उसको बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने खरीदा, जो राजा राममोहन रॉय के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू वुमेन एंड प्रिंट. नाउ मेनी जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स जो है उस टाइम के इंडिया में काफी रिलीजियस डिबेट्स होने लग गई, है ना, प्रिंट के माध्यम से. तो लोग जो है औरतों का इस सोसाइटी में, इस समाज में क्या हक है, क्या उनकी जगह है, इस बारे में बात करने लग गए. क्या औरतों को एजुकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और लोग जो है एक तरफ रिफॉर्मर्स अपना व्यू देने लगे कि हाँ बहुत जरूरी है इनको रिफॉर्म करना. ऑन दी अदर हैंड जो आपके जो प्रॉपर ट्रेडिशनलिस्ट है वो क्रिटिसाइज करने लग गए. राइट, तो हम देखते हैं कि कॉन्जर्वेटिव हिंदूज जो है वो लिखने लगे कि ये जो हिंदूज होती है, जो यू नो अगर आप लोगों ने पढ़ा दिया लड़कियों को तो उनका हस्बैंड मर जाएगा, वो विधवा बन जाएंगी. और जो मुस्लिम्स, उनको लगता था कि ये जो मुसलमान लड़कियां हैं हमारी अच्छी प्यारी, उर्दू रोमांस पढ़ के इनके पंख आ जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना, स्पॉइल हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे. राइट, फ्रॉम द 1860s कुछ औरतें पढ़ लिख गई और बंगाली वुमेन सच एज कैलाश बशन देवी रोड बुक्स टॉकिंग अबाउट हाउ वुमेन वर ट्रीटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो अलग अलग थे, जैसे आप यूरोप में आप देखते हो जेन ऑस्टिन जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना, ब्रॉन्टे सिस्टर्स वगैरह वगैरह आई. इंडिया में राज सुंदरी देवी हो गई, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, यू नो दे एमर्ज्ड एज वुमेन राइटर्स, है ना. नाउ ऑब्वियसली गाइस, इंडिया में भी जब प्रिंट इस तरीके से यूज किया जाने लगा तो प्रिंट के अगेंस्ट भी सेंसरशिप होने लगा, है ना. बिफोर 1798 क्या होता, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था सेंसरशिप में. उसने किया था जेम्स हिकेटी को, क्योंकि जेम्स हिकेटी उनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, उनकी बीवियों के अगेंस्ट चीजें लिख रहे थे, है ना. बट बाय द 1820s द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेगुलेशंस पास की दैट स्टार्टेड कंट्रोलिंग फ्री प्रेस, है ना. कंपनी बोलने लगा कि देखो तुम्हें लिखना है लिखो, पर सिर्फ हमारी तारीफें लिखो. राइट, अब 1835 में कुछ लोगों ने पेटिशन काली कि यार ऐसा थोड़ी ना हमेशा तारीफ लिखते रहेंगे, हम बोर हो जाते हैं, हमें जो मैंने हमें लिखने दो. तो फाइनली गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस के कुछ लॉज हैं उनको रिवाइज किए एंड यू नो कुछ फ्रीडम दे दी गई फ्रीडम प्रेस को. बट थिंग्स चेंज्ड व्हेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि रिवोल्ट मेनली इसलिए हुआ क्योंकि हमने इन लोगों को फ्रीडम दे दी, छूट दे दी आपस में बातें करने के लिए, है ना. तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो मोर. दे डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेटिव प्रेस, कि ये जो नेटिव प्रेस है जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं जैसे केसरी हो गया, है ना, इसको हम अब इस पर रोक लगाएंगे. और उन्होंने एक एक्ट पास किया इन 1878 विच इज द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें ये लिखा गया कि देखो अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शनेबल लिखते हो तो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फिस्केट की जाएगी, है ना. तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पावर दे दी गई टू सेंसर, सेंसर मतलब टू कट, टू रेगुलेट कंटेंट, है ना. नाउ पंजाब में जब जब रेवोल्यूशनरीज डिपोर्ट हुए 1907 में,
एक कुछ हुआ था, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, इंडिया से हटा दिया गया, काला पानी भेज दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस कहानी के बारे में अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उनको जेल में डाल दे दिया जाता है 1908 में और उनकी प्रेस बंद करा दी जाती है। ठीक है, सो दैट वॉज द फुल चैप्टर इन योर माइंड मैप, है ना? माइंड मैप है ना अमेजिंग चीज, इट्स सच एन ईजी चैप्टर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले आता है आपका 594 AD। क्या ये इंपॉर्टेंट डेट है? नॉट वेरी, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाफ अराउंड लेट 600 AD ऐसा करके। सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी आई चाइना, जापान और केरला में। फिर हम आते हैं बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है, अगेन नो नीड टू रिमेंबर, बट याद करो उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से गए जापान और वहां पर इंट्रोड्यूस किया। ये इंपॉर्टेंट है कि 11th century में चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, है ना? फिर हम देखते हैं 15th century में वुड ब्लॉक्स। गाइस मे बी सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट इससे क्या होता है, आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाती है ना? तो सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर कहाँ पहुंचा? चाइनीज पेपर पहुंचा यूरोप में। फिर हम देखते हैं कि वुड ब्लॉक्स काफी ज्यादा यूज होने लग गया यूरोप में फॉर प्लेइंग कार्ड्स, फॉर बुक्स एक्सेट्रा। 1430s, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक है? ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, 11th सेंचुरी याद रखो। 1430s जॉनस ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की, एंड बिटवीन 1450s एंड 1550s प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज में आई, राइट? अब 1517, अगर आपको ये याद नहीं है तो बस लिख लो अर्ली 16th century, है ना? में मार्टिन ल्यूथर ने लिखा 95 थीसेस क्रिटिसाइजिंग द रोमन कैथोलिक चर्च। 1558 में वो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाई रोमन कैथोलिक चर्च ने परेशान होके। तो ये सब 16 सेंचुरी में हो रहा है, इतना याद होना चाहिए कि सब 16 सेंचुरी में हो रहा है। मिड 16 सेंचुरी में आते आते प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया पहुंच गई पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ साथ। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना? डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिस इज इम्पॉर्टेंट कि लिटरेचर जो है वो मोरालिटी के बारे में बात करने लग गई, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मोनार्की, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रिलीजियस डिबेट्स होने लग गए, है ना? 1780s में आपका जेम्स हिकिटी आया बंगाल गजेट के साथ, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा 18th century के अराउंड, राइट? अब 1810 को फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन आया रामचरितमानस का तुलसीदास, राइट? 19th century, अगेन सेंचुरीज में याद रख सकते हो आप इस चैप्टर को, आपको इस चैप्टर में एग्जैक्ट डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर टू नो द सेंचुरीज, है ना? 1800s मतलब हम 19th century में आ गए, ठीक है? तो 1820s में सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस पास की जिसके वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए प्रिंटिंग प्रेस में। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संबद्ध कौमदी प्रिंट किया, और उसके अगेंस्ट जो आपके हिंदू ऑर्थोडॉक्स वालों ने, उन्होंने भी अपनी बुक शुरू की कॉल समाचार चंद्रिका, न्यूज़पेपर उन्होंने भी शुरू कर दिया कि हम भी भैया प्रिंट को यूज़ करेंगे अपने थॉट्स फैलाने के लिए। तुम थोड़ी ना हो इस तलवार के साथ, हम भी हैं, घर पे चूड़ियां थोड़ी ना पे। अच्छा चलो एनीवेज, फिर यू हैव 1822 जहाँ पर दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, जामी जहान नामा एंड शमशूल अकबर। एक गुजराती न्यूज़पेपर भी पब्लिश होता है बॉम्बे समाचार, ठीक है? फिर आते हैं हम 1835 पे, जिसमें क्या होता है कि भाई कि बहुत ज़्यादा गवर्न, अच्छा अगेन ये इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। 1860s में बहुत सारे वुमेन राइटर्स, लेट 19th century में हम देखते हैं वुमेन राइटर्स जो है अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे हैं। ज्योतिबाई फुले ने अपना गुलामगिरी बुक लिखा, राजसुंदरी, अगेन और यू कैन जस्ट से लेट 19th century, है ना? यू हैव ऑल ऑफ दीज राइटर्स कमिंग अप एंड टॉकिंग अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा, राइट? ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1878, ठीक है? फिर अगेन 1880s 19th सेंचुरी लिख सकते हो, ताराबाई शिंदे ने लिखा स्त्री पुरुष तुलना। फिर आते हैं कि 1907 बाल गंगाधर तिलक ने उन पे सिंपथी दिखाया डिपोर्टर्स पे और उनको जेल में डाल दिया गया एक साल के लिए। 1920s में पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन, मतलब भाई जो शिलिंग सीरीज जैसे चैप बुक्स हो गई, है ना, ये सब सेल होने लग गए। 1930s में कॉटन मिल वर्कर्स सेट अप लेंडिंग लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स, राइट? सो दीज वर, नाउ As I said for this chapter, you only have to remember two dates, mostly two or three dates. Vernacular Press Act का learn कर लो, Gutenberg का कर लो, 95 thesis का भाई थी ये कर लो, बाकी only know the centuries and you are set. ठीक है, so it's a good chapter for dates, where you don't have to do a lot of dates, right?
अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन. जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या था. वन, प्रिंट रेवोल्यूशन जो के वजह से क्या हुआ, जो लेबर जाता था लोग बुक्स को प्रिंट करने में, जो टाइम जाता था वो कम हो गया और बुक्स जो है सस्ती हो गई. उसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे एक्सेसिबल हो गई, लोग पढ़ने लग गए, तो एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होने लगा, एक रीडिंग पब्लिक इमर्ज होने लगा, राइट. हम वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ होने लग गए, राइट. इससे एक इंटेलेक्चुअल एटमोसफेयर भी क्रिएट हुआ, है ना. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज़. लोग क्वेश्चन करने लगे उन अथॉरिटीज़ को जिसको वो इतने सालों से एक्सेप्ट कर रहे थे. इससे क्या हुआ कि कमेंट्री होने लगी, लोग बोलने लगे कि यार हम ये ट्रेडिशन क्यों फॉलो करते हैं, ये सुपरस्टिशन क्यों एग्जिस्ट करता है, है ना. तो काफी क्वेश्चंस उठने लग गए, ठीक है. अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल. तो फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल जो है वो काफी क्लोजली रिजेंबल करती थी टू अ मैन्युस्क्रिप्ट, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन लेआउट एंड अपीयरेंस. उसकी जो बॉर्डर्स थे उसमें खुद हाथ से जो है हैंड पेंटेड था, है ना. टाइप्स ऑफ जो लेटर्स थे वो भी ऑर्नामेंटल थे. 180 कॉपीज बनाई गई थी 3 साल में, राइट. जो वो बाइबल रिच के लिए थी वो पुअर लोगों से काफी अलग थी, ठीक है. अच्छा, 3 marker questions. Which factor led to the reading mania in the 17th and 18th century in Europe? तो आप बोल सकते हो कि जो ये न्यू लिटरेचर पब्लिश होने लगी, चैप बुक्स होने लगी, पेनी बुक्स, ये जो बुक पब्लिश होने लग गई जो चीप पेपर पे बनती थी, उससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पढ़ने लग गए, न्यूज पेपर्स पढ़ने लग गए, एंड यू नो दैट कल्चर स्प्रेड. Give two examples of women of conservative families who began to read and write in secrecy. तो राज सुंदरी देवी हो गई और आपका कैलाश वशिनी देवी हो गए, right? All right. Now 1 marker questions of this chapter, guys. I have put them in the week quiz. बहुत सारी questions डाले हैं मैंने आपके लिए 1 marker में. All you need to do is click on the description box below. मैं link दे रखा है आपको week quiz का, उसको करो and revise the chapter very quickly. I sincerely hope that today's कितना भी time लिया मैंने session के लिए, you had a good revision of the chapter. जैसे मैंने आपको बोला कि you do not need, you know, to even open your NCERT after this revision. अच्छा revision करा दिया है मैंने, and do not forget to give a thumbs up अगर अच्छा लगा, और share जरूर करना इस video को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि guys ऐसा नहीं होता कि किसी के अच्छे marks आ जाएंगे तो आपके बुरे आएंगे, है ना. All of us need to grow together. Right? Let's move on to the homework question. ये है आपकी book में photo. Identify करो कि ये कौन है, किस country को belong करते हैं, इन्होंने invent का क्या और कब किया था, और सबसे पहली book क्या print की थी. Actually question में ही answer है, ध्यान से देखो अगर तो. So this is the homework question. Do let me know your answers in the comment section. So guys, thank you for attending today's session. This was just 1 session of the sprint series. आगे और आते रहेंगे और हम आगे chapters करते रहेंगे. ठीक है? Do not forget to give a thumbs up to this video. Subscribe to the channel and share this video with your friends. और comment section में जरूर बताना कि video कैसी लगी and if you want more of these. This is your master teacher Surabhi signing out.